हाय हेयर टाई कर देते हैं या फिर कर्ल्स कर देते हैं? कर्ल्स ना करो यार, तुम कर्ल्स कर लो, मैं स्ट्रेट कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इतना अच्छा लिपस्टिक शेड लाई हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। दिखाओ। ये किसका सूट है? इतना डल कलर भाई, ये सरका है। ओ आपका है। बाय द वे ये कैसे डल कलर्स आज का ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड। देखो असरा, तुम भाई की बात का बिल्कुल बुरा ना मनाना। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफा होता है, अगर मेरे ड्रेस के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे दे फिर मेरा भी दिल नहीं जाता वो ड्रेस पहनने को। असरा एक काम करो, तुम मेरी वार्डरोब से कुछ देख लो अपने लिए। नहीं यार हाला, मैं किसी और के कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं करती। बशीर भाई, आप मुझे हाला के घर से पिक कर लेंगे? जी, मुझे वापस घर जाना है, कपड़े पिक करने हैं, फौरन आ जाए। ओके आ रहे हैं। असरा आप अपने ड्राइवर को मना करता, मैं ले चलता हूँ आपको। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सही है, देखो असरा पहले ड्राइवर आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, फिर तुम आओगी, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सही है ना, तुम भाई के साथ चली जाओ और फौरन से होके आ जाओ। थैंक यू भाई, जाओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, बाहर आ जाओ। ओके जल्दी जाओ। हाँ ओके बाय बाय। इतना बुरा भी नहीं है। वैसे कहाँ की तैयारी थी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो हमारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड, उसकी शादी आज। इत्तेफाक से आज मुझे भी एक दोस्त की शादी पे जाना है। क्लीग है सम फेस सिक्स लोकेशन। हमारी दोस्त इंशाल है ना, उसकी शादी भी फेज सिक्स हुई। इंशाल और यासिर की शादी की बात कर रही हैं आप? जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसका मतलब ये कि हम लोग आज एक ही शादी पे जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम सब लोग एक ही शादी में जा रहे हैं तो क्यों ना हम सब लोग एक साथ चलें? श्योर जा सकते हैं, लेकिन मुझे किसी भी इवेंट पर लेट पहुंचना पसंद नहीं। अरे डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम।